جب جناب سکینہ زندان شام میں اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو شمر ملعون کی نیند میں خلل پڑتا تھا، اس لیے شمر ملعون نے جناب سکینہ کو 7 دروازوں کے زندان میں قید کیا۔ سماعت فرمائیے گا حضرات۔ گیا شمر سکینہ کے جو رونے سے خفا، سات دروازوں کے سکینہ سے نہ ہونا بھیا،
कुछ अंधेरों में नहीं चलता है चारा भैया, गुफ्तगू आपकी कुछ देगी सहारा भैया, गुफ्तगू आपकी कुछ देगी सहारा भैया, गम निकल जाएगा जिंदा से दोबारा भैया, मिल पाऊंगी तुम सब से दोबारा भैया, जीते जी कब्र में दफना दिया मुझको लगता है इसी में रह कर, ये बंद बतौरा खास समाज सुनाइएगा हजरात, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है तवज्जो चाहूंगा हजरात, मुझसे दुनिया करने को तैयार ना हो, किसी कोई भी मदद करने को तैयार ना हो, सारी दुनिया में कोई जिसका मददगार ना हो, कैसे जिसकी रिहाई के भी आसार ना हो, मर जाना है ये मान गई, जब तलक जिंदा हूँ आवाज सुनाते रहना, अपनी जंजीर को रह रह के हिलाते रहना, जाने कब जिंदान की दीवार से टकराएगी, जो मुसीबत न हुए मुझ पे वो पछताएगी, मुसीबत न हुए मुझ पे वो पछताएगी, ऐसी तनहा सकीना को दुआएं करना, तलक जिंदा हूँ आवाज सुनाते रहना, अपनी जंजीर को रह रह के हिलाते रहना, शिमर से कह के अंधेरों से निकालो मुझको, इस मुसीबत से किसी तरह बचा लो मुझको, इस मुसीबत से किसी तरह बचा लो मुझको, गम निकल जाएगा बुआ के संभालो मुझको, देर से खाक पे लेटी हूँ
घुटा जाता एक पल न सकूं पाती हूँ। अब ना रोऊंगी मैं बाबा की कसम खाती
गई।